हेलो एवरीवन, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सीब एनालिसिस द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैज बीन प्लॉटेड फॉर ए पार्टिकुलर सॉइल। कॉपीशियंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमसे पूछा है, तो कॉपीशियंट ऑफ कर्वेचर CC बराबर होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ये होता है कॉपीशेंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, जो कि हमारे डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। यदि CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो वो बैल ग्रेडेड सॉइल होगी। बैल ग्रेडेड सॉइल होगी यदि CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ ए सॉइल सैंपल। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है गामा सेचूरेटेड की, उससे कम होती है गामा वेट की, उससे कम होती है गामा ड्राई की, और सबसे कम होती है गामा सबमर्ज की। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सेचूरेटेड की। गामा सेचूरेटेड, गामा वेट, गामा ड्राई, फिर गामा सबमर्ज। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। फिगर दे रखा है हमको, हमसे पूछा है कि ये जो डैश्ड लाइन है ये क्या शो करती है। तो जो डैश्ड लाइन है वो क्रिटिकल बॉयड रेशियो को शो करती है। ये डैश लाइन, ठीक है, देख लीजिए कर्व को। ये जो डैश लाइन है ये क्रिटिकल बॉयड रेशियो को दिखाती है। ए सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बॉयड रेशियो। एक क्ले सैंपल है, एक सैंड सैंपल है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉयड रेशियो समान है। हमसे पूछा है कि परमेबिलिटी डिफरेंस कैसे होगा। तो देखो, सैंड में क्या होता है, सैंड में जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा दूरी पर होते हैं, और जो क्ले होते हैं उसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं। क्ले में पोर्स ज़्यादा होते हैं और पास पास होते हैं, और जो सैंड होता है उसमें पोर्स थोड़े कम होते हैं क्ले की तुलना में। तो जो सैंड की परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है क्ले से, ठीक है। तो दोनों की परमेबिलिटी साइज रेंज के कारण डिफरेंट होती है। जो बॉयड्स का साइज होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है, सैंड और क्ले में। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज। जो सीपेज की डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। सीपेज की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। सी ऑप्शन करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम बॉयड रेशियो एंड मिनिमम बॉयड रेशियो पे सैंड सैंपल 0.30। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 66.6%, बॉयड रेशियो 0.40। हमसे पूछा है लूजेस्ट स्टेट में बॉयड रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी RD का फॉर्मूला होता है E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम इंटू 100, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई मैक्सिमम माइनस 0.4 अपॉन, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था, 0.30 इंटू 100, और डेंसिटी दे रखी थी 66.6% रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूले से ई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, जो कि निकलेगा 0.60। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। जो कैंटिलीवर सीट पाइल होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन ए डायरेक्ट शियर टेस्ट। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी। सबसे पहले डायरेक्ट शियर टेस्ट की बोला है, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट का फॉर्मूला होता है टॉय इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, ठीक है। हमसे बोला है क्लियर ड्राई सैंड, तो सैंड के लिए सी की वैल्यू जीरो होती है, टॉय की वैल्यू दे रखी है हमको 120 इजकल टू सिग्मा टेन फाई, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू भी 120 दे रखी है, तो यहाँ से टेन फाई से निकल जाएगा, फाई बराबर टेन इनवर्स, और टेन की वैल्यू जब एक हो तो 45 डिग्री निकल के आता है फाई की वैल्यू। सी ऑप्शन 45 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। फॉर अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग द एरिया रेशियो फॉर ए थिन बाल सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड। करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, 15% और 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग के लिए एरिया रेशो। एरिया रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डी टू का स्क्वायर माइनस डी वन का स्क्वायर अपॉन डी वन का स्क्वायर इंटू 100। ये होता है एरिया रेशो के लिए फॉर्मूला। ये 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इनसाइड क्लीयरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डी थ्री माइनस डी वन अपॉन डी वन इंटू 100। ये होता है इनसाइड क्लीयरेंस का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ सॉइल हैज़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिक्विड लिमिट दे रखी है 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट 17%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 30%, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमसे पूछा है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन आई पी। डब्ल्यू एल कितना दे रखा है 45, डब्ल्यू कितना दे रखा है 30 अपॉन आई पी कितना दे रखा है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी 15/20। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।